प्रश्न उठता है, कई बार कई लोग पूछते हैं, परमात्मा ने संसार बनाया, हम संसार में फंस गए, दुखी होते हैं, अज्ञान में हैं, अंधेरे में हैं, भटकते हैं, तो भगवान ने हमको अपने से दूर क्यों किया? क्यों बनाई ये सृष्टि? क्यों बनाई मोह ममता? क्यों बनाया राग? क्यों बनाया ये फरेबी संसार जो हमारे दिलों को घायल करता रहता है? हम विश्वास करते हैं और सामने वाला विश्वासघात करता है, तो ऐसी दुनिया बनाने की जरूरत क्या थी? आज थोड़ा इस प्रश्न को, इस मुद्दे को बहुत अच्छे से समझ लेना। पॉइंट वन, एक ईश्वरवाद फिलॉसफी जो मानता है वो ये कहता है कि ईश्वर ने जगत बनाया और जीव को इस जगत में भेजा। माने ब्रह्मा रचते हैं, विष्णु पालते हैं, शिव संहार करते हैं और जीव इसमें रहता है, भोगता है, कर्म करता है, फिर कर्म का भोग भोगता है और चक्र चलता है। कुरान शरीफ कहती है अल्लाह ने संसार बनाया और आदम और हव्वा को पैदा किया और फिर आदम और हव्वा को इस जिस्म में आते ही शैतान ने घर कर लिया और उसने उसे भोग में लगा दिया। बाइबल कहती है क्या एडम एंड ईव, नाम देखो मिलते जुलते हैं, एडम एंड ईव भगवान के घर स्वर्ग में रहते थे, वहां एक ज्ञान का वृक्ष था और ईश्वर ने कहा इस फल को कभी नहीं खाना, पर शैतान सर्प बन के आया और उसने ईव को माने हव्वा को उकसाया, उसने आदम को उकसाया, आदम ने ये ज्ञान का फल तोड़ा और दोनों ने खाया, ईश्वर नाराज हो गया और ईश्वर ने कहा जाओ अब तुम धरती पे जाके रहो, अब तुम मेरे स्वर्ग में नहीं रह सकते। पुराण कहता है मनु और शतरूपा से ये संसारी सृष्टि चली, मनु और शतरूपा से, और मनु क्या है, वो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, उन्होंने कहा अब तुम सृष्टि बनाओ। पहले मानसिक सृष्टि होती थी और फिर मनु और शतरूपा को कहा अब आप जैविक सृष्टि, माने माता का अंश और पिता का अंश, पुरुष का अंश, ये मिल करके जीव सृष्टि होगी, तो जाओ जीव सृष्टि करो। इसे हम एक ईश्वरवाद बोलते हैं, एक ईश्वर ने सब किया और हम उसके रहम करम पे हैं, उसने बनाया, उस वही जगत चला रहा है। आमतौर पे लोगों को इतनी ही बात समझ आती है, पर अगर हम इन सारी बातों से पीछे चले ना, ये पुराण की बातें हैं, जैसे विष्णु पुराण होएगा तो कहेगा विष्णु ने स्वामी है वही जगत बनाया, ब्रह्म पुराण कहेगा ब्रह्मा ने बनाया, गणेश पुराण कहेगा गणेश ने बनाया, दुर्गा पुराण कहेगा दुर्गा ने बनाया, तो जिसका पुराण होगा ना उसी का नाम दिया जाता है कि इसने बनाया। पर थोड़ा सा अगर हम वेदांत की दृष्टि पे ले जाए, वेदांत पर, वेदांत क्या है, वेद का अंतिम भाग क्या है, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान, वही ब्रह्म विद्या भगवत गीता में है और वही औपनिषदिक ज्ञान क्या कहता है। औपनिषदिक ज्ञान ये नहीं कहता कि ईश्वर ने दुनिया बनाई और जीव को फंसाया और अब ऊपर बैठ के तमाशा देख रहे, ना। ज्ञान का, वेदांत का मानना क्या है, वो क्या कहता है, दर्शन शास्त्र ये बोलता है एको अहम बहु श्याम, मैं ही एक से अनेक हो जाऊं, मैं ही एक से अनेक हो जाऊं, तो फिर ईश्वर ही जीव हुआ और ईश्वर ही जगत हुआ, तो ईश्वर का विचार है तो ईश्वर स्वयं जीव हुआ, जीव ईश्वर से अलग कहां है। ये पूरा संसार क्या है, कृष्ण गीता में बोलते मैं ही सर्व में हूं, सर्व ही मैं है,
यहाँ कृष्ण शरीर बन के मैं नहीं बोल रहे हैं, वो पर ब्रह्म हो करके बोल रहे हैं। कल मैंने ये बात आपको समझाई थी कि आप भी शरीर नहीं हैं, ये शरीर नहीं है, पंचभौतिक ये देह आप नहीं है। आप लाख मानो मैं यही हूँ, पर सच क्या है, ये देह तुम नहीं हो। और कितना ही प्यार मोहब्बत कर लो इस देह से, जहां प्राण निकले प्राणी पलट के कभी आता ही नहीं वापस। अच्छा, कुछ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते, कई बार आईसीयू में, कई बार सर्जिकल टेबल पर, कईयों को लगता है कि वो मर गए थे और उनमें फिर जान आ गई थी। गांव में तुमने सुना होगा कहानियां कि बुढ़ी माता मर गई थी, वो कहती मैं ऊपर गई, वहां यमराज मिला, यमराज ने कहा तू कौन से पिंड तो आई, बोली मैं बंग गया तो, बोले नहीं इतने नवा शहर वाली शांति देवी लानी सी, तो तू वापस जा। हाँ, तो गलती लग गई तो इसलिए मैं वापस आ गई। आपने ऐसी कई कहानियां सुनी हो, कई लोग कहते जी वो मर गया था फिर जिंदा हो गए। लेट मी से, मेडिकली वो मरे नहीं होते। समटाइम्स हार्ट कैन स्टॉप बीटिंग एंड आफ्टर अ वाइल द फायरिंग, द इलेक्ट्रिकल फायरिंग, द इनर पेस मेकर बिगिन्स टू वर्क अगेन एंड बॉडी सीम्स टू बी रिवाइव्ड। मरा नहीं है वो। दूसरा, जब ब्रेन सेमाई कोमाटोस में चला जाता है, इट बिगिन्स टू हेलुसिनेट। अच्छा, आप देखिए, अगर कोई हिंदू मरेगा तो उसे धर्मराज दिखेगा। नियर डेथ एक्सपीरियंस, मैंने मरा नहीं है पर मरने जैसा एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन अगर कोई मुस्लिम मरे तो उसको धर्मराज दिखेगा क्या? वो क्या कहेगा? मुझे अल्लाह मियाँ का फरिश्ता दिखा। और कोई ईसाई मरेगा तो उसको उसको अल्लाह मियाँ का फरिश्ता तो बिल्कुल नहीं दिखे, क्या दिखेगा? सम एंजल्स केम एंड दे से ओह इट्स नॉट योर टाइम, गो बैक। और कोई जैनी मरा तो आधा मरा मतलब फिर जिंदा हो गया तो वो क्या कहेगा? कोई महावीर स्वामी दिख गए थे, कोई तीर्थंकर दिख गए थे और देवताओं ने कहा, वहां भी देवताएं हैं, देवताओं का बड़ा एक लंबा चक्कर है, बोले देवता ने कहा नहीं अभी तो तेरा जीवन चलेगा। अब सवाल ये उठता है, क्या जैसे यहाँ सबके धर्म अलग 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 अलग, तो मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद स्थानक बौद्ध विहार अलग अलग, चर्च अलग अलग, तो ऐसे ही क्या मरने के बाद हिंदुओं का नरक अलग, सिखों का अलग है, उसका अलग, इसका ऐसा है क्या सिस्टम? लोगों ने तो यही सोच के रखा हुआ। सच ये है, कल्पनाएं हैं, जितनी मर्जी कर लो। पुराणों में, खासकर गरुड़ पुराण में जो हमें वर्णन मिलता है नरक का, स्वर्ग का, भवसागर का, तो ये सब क्या गप है? नहीं, गप नहीं है। ऐसे समझिए, आप अगर रात सोते हुए में स्वप्न देखें और स्वप्न में आप देखें कि आप समंदर में डूब रहे हैं और आपको खाने को मगरमच्छ हैं, पानी के सांप हैं, उभेल मछली भी आ गई और आपको तैरना नहीं आ रहा और आप बड़ा तड़प रहे हैं, भगवान भगवान बचाओ, कोई नहीं बचा रहा, पत्नी साथ में सोई, उसे नहीं पता तुम क्या सपना देख रहे हो, बच्चे वही हैं, उन्हें नहीं पता पिताजी इज हैविंग अ हॉरिबल ड्रीम, बट नींद खुली, आप पसीना पसीना है, दिल की धड़कन अभी भी तेज है, पर स्वप्न में जो आपने देखा उस समय पर क्या वो सच था या उस समय पर भी वो झूठ लग रहा था तुम्हें? सच क्या है? जब सपना चलता है तो वही सच लगता है, जब आंख खुलती है तो हम कहते सपना था, झूठ था, पर जब सपना चलता है वो सच ही लगता है। आपके मन से पाप का विचार हुआ, आपने पाप कर्म किया, तुम कितने बड़े पापी क्यों ना हो, समाज का, धर्म का कुछ ना कुछ संस्कार आ जाता है और फिर ये पापी क्रिमिनल सजायाफ्ता इंसान जेल में बैठा ना, वो भी पश्चाताप के आंसू रो रहा होता है कि ये मैंने ठीक नहीं किया, अब मेरा क्या होगा। मैं ये भी गप नहीं छोड़ रही हूं,
मेरे ऐसे कई मौके लगे, जैसे एक बार महाराष्ट्र के जो जेल मंत्री थे कृपा शंकर सिंह जी, वो मुझे कहने लगे कि आपकी जरूरत तो जेल में अधिक है, वहाँ लोग वो हैं अंडर ट्रायल्स हैं, फैसले नहीं होते और वो कठोर हो चुके हैं, समाज से कट चुके हैं, क्या आप उनको मिलेंगी? मैं क्यों नहीं, चलो। बॉम्बे की आर्थर जेल सबसे नोटोरियस जेल है, ऑल हार्ड कोर टेररिस्ट आर देयर, सजायाफ्ता, मैंने सबसे भयंकर जेल उसी को मानते, मैंने वहाँ जाना स्वीकार किया। और सच जानिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था करी कि जैसे आप बैठे ना ऐसे ही सारे वो बैठे और मैं ऐसे ही बैठी। और ये भी हुआ कि कुछ कैदियों ने कहा कि हम भी बाहर आएंगे, और वो हार्ड कोर थे, जेलर मानी नहीं, वुमेन थी वहाँ जेलर उस समय, तो कहने लगे जी खतरा, खतरे की बात हो सकती है, हम क्या करें। मैंने कहा देखो आप अपना प्रबंध कड़ा रखो, पर मना मत करो, लेट देम कम आउट, वो भी बाहर आए। अब मैं वहाँ उनसे बात करी, उनको जीवन के विषय में, ये नहीं कहा तुम पापी हो, ये नहीं कहा तुम बुरे हो, ये नहीं कहा, क्योंकि मैं सच कह रही हूँ, उनकी आंखों में मुझे वही मासूमियत दिख रही थी, किसी के पश्चाताप दिख रहा था, किसी की तड़प दिख रही थी जो घर वालों को याद करके रोता है, कोई ये कि गुस्से में हो गया, फंस गया हूँ मैं, और कोई झूठे फंसे हैं वो तो और ज़्यादा रोते हैं। तो वहाँ पर मैंने बात करी, और पीछे एक आदमी अचानक से लास्ट में उठ के खड़ा हो गया, जैसे ही उठा ना सारे पुलिस वाले भागे कि भी पर क्या करेगा ये आदमी, इसे जकड़ लिया। क्यों क्यों उठे हो तुम? कह रहे जी मुझे कुछ कहना है। मैंने कहा उसे बोलने दो, क्या कहना चाहते? तो वो कहता है कि टीवी में आपको देखा था, ऐसा कभी सोचा नहीं था कि आपको ऐसे मैं बात भी कर सकूंगा, तो मैं बड़ा खुश हूं, पर एक शिकायत है, आपने भजन नहीं गाया है। सजा काट रहा है इंसान मुझे क्या कह रहा है, आपने भजन नहीं गाया है। याद रखिए अंगुलीमाल बुद्ध के समय हुआ, डाकू था, कातिल था, पर बुद्ध को मिलके कैसे बदल गया, शिष्य हुआ, सन्यासी हो गया, और उनको नाम बुद्ध ने दिया था अहिंसक। कैसे? क्योंकि हर पापी के दिल के अंदर कहीं ना कहीं पश्चाताप भरा होता है, दिशा नहीं मिलती, कोई हाथ नहीं पकड़ता, कोई समझाने वाला नहीं। अशुभ कर्म करने वाला जब सोता है तो सपने में वो स्वयं को दंडित होते भी देखता है, और जिन्हें सताया है वो उनके चेहरे भी देखता है। इसीलिए फिर जो जेलों में नहीं है, जो बाहर है, उनको शराबें पीनी पड़ती, सोएंगे कैसे, कैसे सोएंगे? अब मैं फिर कह दूं, कोई आकाश में चित्रगुप्त नहीं बैठा जो तुम्हारे कर्मों के फैसले करेगा, आपका चित्त ही चित्रगुप्त है। चित्त मीनिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, योर सबकॉन्शियस माइंड दैट विल पनिश यू, नोबडी एल्स विल पनिश यू। बाहर नरक नहीं है, पर यह भी सच है तुम्हारा मन ही नरक खड़ा कर देगा, जैसे सपने में देखा ना। और सोचो वो सपना टूटे ही नहीं और नींद छूटे ही नहीं, क्या हालत होगी? आपने कभी तो देखा होगा डरावना सपना, कोई भूत प्रेत चुड़ैल, कोई डूब रहे, कोई मत, कोई सांप, कोई शेर, कोई कुछ ऐसा भयंकर देखा कि मन को कष्ट हुआ। और जब तक नींद ना खुल जाए वो कष्ट से मुक्ति नहीं होती। तो जब कहते हैं हम नर्क, तो नर्क का मतलब जिस मन से पाप के विचार उठे, पाप के कर्म किए, उसी का अवचेतन मन शरीर के छूटते ही वो स्वप्न जैसी सृष्टि बना देगा जो उसके लिए नरक होगी। अब कोई आदमी सत्संग जाता है, तीर्थ करता है, दान करता है, अच्छे काम करता है, उसके मन में विचार अच्छे, संस्कार अच्छे, जब ये आदमी सोएगा तो इसको सपने कैसे आएंगे कि वो पाठ कर रहा है, कोई ऋषि दर्शन दे रहे हैं, शंकर जी दर्शन दे रहे।
शंकराचार्य की माँ और पिता दोनों को एक साथ एक ही स्वप्न आया था, क्या कि शिव जी कह रहे हैं कि तुमको पुत्र की चाह है तो ठीक है हम तुम्हें पुत्र देते। दोनों को एक ही स्वप्न आया, दोनों उठ बैठे और खुशी खुशी बता रहे, मालूम मुझे क्या सपना आया, मेरे सपने में शंकर जी आए। पत्नी बोली मेरे भी आए। बोले मेरे सपने में ये कहा, वो कहती मेरे भी ये कहा। कह रहे ऐसा संभव है क्या, ये सच है क्या? पर एक वर्ष पूरा होते होते शंकर का जन्म हुआ है। आप अपने ही मन को ठीक से समझते नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि कर्म का सिद्धांत कोई ईश्वर चला रहा है और हम थोड़ा, मैंने 10 करोड़ की बेईमानी करें, 10 लाख रुपया दान करें तो छूट जाएंगे। ऐसा नहीं होता। उन्हें लगता है ना, जैसे यहाँ हम प्रशासन में किसी को, अधिकारी को दे लेके बच जाते हैं रिश्वतखोरी करके, ऐसे वहां भी बच जाएंगे। तो मंदिरों और गुरुद्वारों में कभी कभी बड़ा दान देने वाले कोई बड़े सज्जन पुरुष नहीं होते। मैं ये नहीं कह रही सब ठग होते, पर कभी कभी जिसने बड़ा चोखा माल खाया है वही मोटा माल जाके चढ़ाता है। क्यों? वो अपनी जान बचाना चाहता है। भगवान देख लेना, देखो माल दे दिया तुमको, तो वो हिस्सेदारी दे रहा है ना, मेकिंग गार्ड दी अकम्प्लिस, बट दैट डजंट वर्क। सॉरी, नहीं, कहा ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता है। तो नरक और स्वर्ग आपके मन की ही रचना होगी। माने एक ऐसा स्वप्न होगा जिसमें आप बहुत पीड़ित हो रहे हैं, बहुत पीड़ित हो रहे हैं और छूट भी नहीं रहे।